खबर जहां पर जिला महिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक बांदा से पहुंचा रहे हैं। यहां पर गर्भवती ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। जिला महिला अस्पताल की एक ये बड़ी लापरवाही, सड़क पर गर्भवती महिला ने जन्म दिया है। अस्पताल के सामने भी सड़क पर ही महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिला महिला अस्पताल के पास की, जहां पर एक गर्भवती महिला ने सड़क पर प्रसव किया और उसके बाद अस्पताल के सामने भी सड़क पर बच्चे को जन्म देती देखी गई। अस्पताल का स्टाफ नर्स देखकर भी वहां पर नहीं पहुंचा है। इस पूरे मामले को देखते हुए राज नारायण हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। राज नारायण का रुख करते हैं। राज नारायण, आखिरकार कैसी लापरवाही, सामने देखते रहे स्टाफ और नर्स, उसके बाद भी मदद नहीं की, आवाज मिल पा रही है आपको राज नारायण? दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे राज नारायण से, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह की यहां पर लापरवाही है। जहां पर सड़क पर एक महिला प्रसव करती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर अस्पताल का जो स्टाफ है, जो नर्स है, इस पूरे मामले को देखते रहते और कोई मदद करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचता है। गर्भवती ने वहां पर डिलीवरी की, बीच सड़क पर उसकी डिलीवरी हुई है। राज नारायण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राज नारायण, आखिरकार जो लापरवाही हुई है क्यों हुई, जब सामने ही ये पूरा घटनाक्रम था तो उसके बाद मदद क्यों नहीं की गई? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं, ये जिला अस्पताल बांदा के लिए कोई नया मामला नहीं है। यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। आज बीच रोड पर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया, उसकी सास की मदद के लिए ठीक सामने महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, कोई निकल करके बाहर नहीं आया, किसी ने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की। और अंत तक जो है, जब प्रसूता का प्रसव हो गया, उसके बाद खुद उसकी सास बच्चे को लेकर के अंदर गई। इसी तरीके से अभी एक दिन पहले जिला अस्पताल बांदा में घूस लेने का मामला सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पर संजय के गायब